नमस्कार, आप देख रहे हैं नेत्र पिक्चर और मैं हूं आपके साथ प्रीति। टेरो कार्ड रीडिंग भविष्य जाने की प्राचीन विधियों में से एक है। इसमें सामने वाला व्यक्ति अपने लिए कार्ड चुनता है। टेरो कार्ड रीडर उस कार्ड का आंकलन करके व्यक्ति की भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। टेरो कार्ड रीडिंग में हर कार्ड का एक खास मतलब होता है। ये कार्ड व्यक्ति के भाग्य और इसके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। टेरो कार्ड में एक डेथ कार्ड भी होता है। डेथ यानी मृत्यु, मौत का नाम सुनकर हर कोई डर जाता है, इसे नकारात्मक मान जाता है। लेकिन टेरो में डेथ कार्ड आने का मतलब मौत नहीं है। आइए जानते हैं टेरो कार्ड में डेथ कार्ड आने का क्या मतलब होता है। टेरो कार्ड रीडिंग में डेथ कार्ड निकालने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव आपके जीवन, व्यवसाय, संबंध, जीवन के किसी भी अन्य पहलू से जुड़ा हो सकता है। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी, लेकिन यह बदलाव अस्थायी होगा। ये कार्ड बताता है कि आपका जीवन फिर से एक नया मोड़ लेने वाला है। डेथ कार्ड को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पुराना खत्म नहीं होगा, नए की शुरुआत कैसे होगी। डेथ कार्ड में एक व्यक्ति काले वस्त्रों में घोड़े पर सवार नजर आता है। घोड़ा जीवन की गति को दर्शाता है। काला रंग मौत का प्रतीक है। इस कार्ड में एक धार्मिक व्यक्ति हाथ जोड़कर इसका स्वागत कर रहा है। कुछ लोग इससे डर के नीचे मरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति काम के परिणाम से पहले ही घबरा कर पीछे हट जाता है, वो पहले ही हार जाता है। वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। यह कार्ड इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन में पुराने काम खत्म होंगे तो नए की शुरुआत होगी। यह कार्ड भविष्य में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करता है, जो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को बदल देंगे। इस कार्ड को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि कभी कभी यह दर्दनाक भी सिद्ध होता है। जिस भी व्यक्ति के समक्ष कार्ड आए, उसे यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस कार्ड के सामने आने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन कोई बहुत ही करीब मित्रता, नौकरी, शादी, यहाँ तक कि जीवन भी समाप्त हो सकता है। ये कार्ड हानि, असफलता और विनाश की ओर इशारा करता है। लेकिन इस कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कार्ड आपको सूचित करता है कि समय रहते सतर्क हो जाने में भलाई है। ये कार्ड आपको बताता है कि जिन चीज़ों की जरूरत ना हो, उन्हें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ये कार्ड आपको बताता है कि वर्तमान में जो जरूरी है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा करता है कि पुराने विचारों और नजरियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है, इसलिए जीवन में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकारें। ये कार्ड इस बात का भी संकेत देता है कि आपके जीवन बहुत ही नाटकीय ढंग से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये कार्ड अतीत को पीछे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।